gosh. Hey, hello दोस्तों एंड आज के इस प्रकृति में हम लोग खेल रहे हैं लिविक और आई थिंक ये मेरे चैनल का पहला लिविक का गेम प्ले। मेरे को पता लगा कि मैंने कभी भी कोई लिविक का गेम प्ले डाला नहीं तो सोचा एक बार डाल देता हूँ। वैसे भी मैं इस मैच में रैंडम्स के साथ खेल रहा हूँ यार, मेरे रैंडम्स मेरे को हर बार की तरह अजीब सी मिले हैं। सारे चारों बंदे एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रखे भाई साहब, लाइक अब मैं भी उन्हें फॉलो कर रखा था बट सब ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और मेरे को अपने रैंडम्स की लैंडिंग पे भाई भरोसा नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, मेरी लैंडिंग उनसे तो अच्छी होगी तो मैं खुद ही कूद जाता हूँ। और यहाँ पे मेरी किस्मत तो अच्छी होती है, मेरे को आधे साथ ये गन मिल जाती है, उस पर 3x भी लग जाता है। और यहाँ पे एक बंदा होता है जो अभी कूदा होता है, XTF गेमिंग, पक्का ये कोई यूट्यूबर होगा शायद छोटा मोटा मेरी तरह ही, और उसका हम मार देते हैं। और मेरे जब कंट्रोल्स देख रहे हो प्लीज़ ज़्यादा ध्यान मत देना मेरी बहुत। अब जैसे जैसे पबजी बैन हुआ तो यार कॉम्पिटिटिव नाम की तो कोई चीज़ रह नहीं गई, अब तो सिर्फ टाइम पास करो क्लासिक में। तो मैं भी अब ऐसी मतलब यू नो टाइम पास के लिए कंट्रोल करके देख रहा हूँ। ये बंदा बॉट होता है कि इंसान में कन्फ्यूज़ रहता हूँ, बट यार जिस हिसाब से ये वॉल के पीछे जाके बैठता है मेरे को समझ आता है इंसान है और मैं ऐसे मार देता हूँ। लाइक सीरियसली ये बॉट होता है, मैं समझ के इसे ट्रोल करने की सोच रहा था बट देन ये रियल निकलता है। सो यार यहाँ पे आप सर हमारी किस्मत अच्छी होती है, हमें दो किल्स निकल जाते हैं। जो बंदा हमने शुरुआत में मारा था उसका वो भी हमारा किल निकल देगा, तो दो किल्स हमें निकल गए मिल गए और विद M762। यार M762 बहुत सही गन है, वो आप इस वीडियो में देख ही लोगे। मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक होता है, ये जो बंदा उसे नॉक करता है वो हम पे पुश कर रहा होता है। अब मेरा टीममेट यहाँ फिर नॉक हो जाएगा दोबारा से M762 से, और उस बंदे को भी मैं सेम गन से मारूंगा और ये बंदा कवर में चला जाए इससे पहले मैं इसे फिनिश कर दूंगा। और उसके बाद यार हमारे वो जो बंदे थे जिनने हमें मारा था वो हमारी बिल्डिंग में आ जाते हैं और मैं कह सकता हूँ कि उसमें से एक आधा कोई पूरा पैनिक हुआ पड़ा होता है, इसलिए वो हम पे बिना मतलब बिना टीममेट के पुश कर देता अकेले, और वो भी बिना टीवीपी लिए मतलब अंधा पुश करेगा। अभी आप देखते रहना ठीक है। देखो मैं यहाँ पे टीवीपी ले रहा हूँ बिल्कुल एक के प्रॉपर वेट करते हैं कि आएंगे आएंगे भाई साहब आएंगे और भाई साहब आए और बस अकेले। मेरे को लगता है पूरी स्क्वाड आएगी इसलिए मैं जल्दी से गन स्वैप करके फिर से टीवीपी लेने लगता हूँ, बट यार ऐसे कुछ होता ही नहीं है, भाई साहब तो अकेले हम पे पुश करते हैं जैसे कि हम कोई क्लासिक बॉट हो। वैसे या जब से पबजी बैन हुआ तब से तो क्लासिक बॉट हो के। और यहाँ पे इस घर में आके एक बंदा होता है, मेरा एक रैंडम टीममेट उधर बिना मेरे को कॉल दिए पुश करता है और वो नॉक हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे सही टाइम पे उसके पास ना आता तो वो भी यहाँ पे मर जाता, बट हम उस बंदे को मार देते हैं और अपना रैंडम बचा लेते हैं और हमारा रैंडम को हम रिवाइव दे देंगे। और मैं अपने अभी कंट्रोल बदल रहा होता हूँ, लाइक ठीक है मेरे कंट्रोल्स का चलता है, कोई नहीं यार प्लीज़ इग्नोर करना उसे टाइम पास के लिए। और ये होता है एक बॉट, ओके एक बॉट। वैसे यार सेव तो बॉट मेरे लिए काफ़ी लकी होता है, मेरे को लेवल 3 बैग देता है और इसी घर में मेरे को M4 भी पड़ी मिलेगी तो मैं अपनी स्कल ड्रॉप करके वो M4 ले लूँगा। कहाँ है वो M4? ये रही वो M4, तो यार लकी बॉट फॉर मी, अच्छी खासी लूट दे देते हैं भाई साहब। अगर उसके बाद हम आगे आते हैं, हमारा 4 नंबर फिर से कहीं नॉक होता है, नॉक होकर फिनिश होता है, एग्जिट भी करता है और ये रहा वो बंदा जो उसे नॉक फिनिश देता है। मैं उसे मारता हूँ, वो डायरेक्ट किल हो जाता है, मतलब उसकी कोई इधर स्क्वाड वैड आसपास नहीं होती। और यहाँ पे मेरे को लगता है आगे घर है, या मेरी किस्मत बहुत ही ख़राब है, बीच में कूड़े वाली गाड़ी आ जाती है हमारी गली में। सही सुना आपने, कूड़े वाली गाड़ी, वो कूड़े वाली गाड़ी कूड़ा साफ करे ना करे लेकिन मेरे वॉइस ओवर की उसने पूरी बैंड बजा दी बिल्कुल, ऐसे मैंने देखा नॉइज़ कर दिया, मतलब भाई ज़िंदगी पूरी ख़राब है। कूड़े वाले भी नहीं चाहते कि मैं यूट्यूबर बनूं बट कोई नहीं यार। और इस बंदे पे मैं शॉट नहीं लेता, शुरुआत में मैं इसके हेड कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा था बट यार नहीं हो पाता, अब क्या करें। मैं सोच रहा हूँ हेड कनेक्ट करते ही एक आधा बॉडी कनेक्ट करते बट उतने में उसका आता है टीममेट, और यार यहाँ पे उसके टीममेट को मारते साथ मैं देखता हूँ उसके टीममेट का हल्का सा पीला पीला सा हेड दिख रहा होता है, ये हेड ही है ना, या इट्स हेड और बूम। सर ये था काफ़ी टाइम बाद एक मेरा प्यारा सा क्लासिक गेम प्ले। सर आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma